नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है टेक इस यूट्यूब चैनल में तो वन प्लस की तरफ से दोस्तों एक बैड न्यूज़ निकल के आ रही है वैसे देखा जाए तो दोस्तों ये नॉट सो बैड न्यूज़ है लेकिन जो लोग वन प्लस एटी प्रो के लिए वेट कर रहे थे उनके लिए दोस्तों ऑब्वियसली ये जो लीक है वो बैड न्यूज़ के तौर पर ही काम करने वाला है फर्स्टली दोस्तों वन के जो प्रोडक्ट डिरेक्टर है उन्होंने कहा है कि देर विल बी नो प्रो अपग्रेड दिस ईयर आप 8 प्रो जल्दी से बाइक कर लीजिए तो इसका मतलब है कि इस साल हमें वन प्लस एट प्रो देखने को नहीं मिलने वाला है और चाइना में वन प्लस एट एंड एट प्रो बहुत अच्छे से सेल हो रही है इसलिए उन्होंने कहा है कि जो चाइना में जो लोग वेट कर रहे थे कि एट्टी प्रो बाय करेंगे एट प्रो को स्किप करके तो सेल बढ़ाने के लिए उनके जो प्रोडक्ट डायरेक्टर उन्होंने कहा है कि एट्टी प्रो नहीं आने वाला है तो आप डायरेक्टली एट प्रो बाय कर सकते हो ऐसे होने के चांसेस दोस्तों बहुत हाई थे क्योंकि इसके दो रीज़न है फर्स्ट रीज़न दोस्तों स्नो स्नैप ड्रैगन एट सिक्सटी फाइव प्लस दिस ईयर जो एक सेंसिबल अपग्रेड हम कह सकते थे एट प्रो से 80 प्रो में तो वही नहीं होने वाला है और देखा जाए तो स्नैपड्रैगन एट सेवेंटी फाइव का लीक ऑलरेडी आ गया है दोस्तों तो इसका मतलब है कि एट सिक्सटी फाइव प्लस आने के चांसेस बहुत ही कम है सेकेंड जो रीज़न है वो है वन प्लस एट प्रो में सब कुछ ऑलरेडी वन प्लस ने दे दिया है तो और क्या एडिशनल वन प्लस एट टी प्रो में हमें देखने को मिलता प्रोसेसर तो चेंज नहीं होने वाला है तो बस चार्जिंग स्पीड यू एफ एस थ्री पॉइंट वन एंड थोड़े कैमरा ट्विक्स के साथ तो ये वन प्लस ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर सकता था और ऑब्वियसली दोस्तों एट टी प्रो है तो एट प्रो से कॉस्टली होने वाला था तो ऐसे में ये फ़ोन नहीं चलता वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ, वन प्लस एट टी प्रो नहीं आ रहा है क्योंकि हाई कॉस्ट पे आता एंड कोई मेजर डिफरेंस उसमें नहीं होता लेकिन दोस्तों घबराइए मत वन प्लस एट टी ज़रूर आने वाला है और, और जो वन प्लस एट में जितने भी ड्रॉबैक्स थे उसको फिलफिल करने की कोशिश वन प्लस एट टी ज़रूर करने वाला है तो वन प्लस एट टी एक मेजर अपग्रेड हम कह सकते इस साल के टी सीरीज़ में होने वाला है वन प्लस ने सो नोइंगली ये किया है इस साल के वन प्लस एट सीरीज़ में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है वन प्लस एट प्रो पे एंड वन प्लस एट पर इतना फोकस नहीं किया है क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं टू मेगा पिक्सल लेंस दिया गया है नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट ही दिया गया था वन प्लस एट में वन ट्वेंटी हर्ट्स का रेट दिया गया था तो ये सिर्फ दोस्तों वन प्लस एट प्रो का सेल बढ़ाने के लिए किया गया था एंड जो फोकस है वन प्लस का वो है वन प्लस एट टी जो टी सीरीज़ में फोकस करके वन प्लस वो है वन प्लस का एट टी क्योंकि उसमें मेजर अपग्रेड करेगा हमें बहुत सारे मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाले जो सेम हुआ था वन प्लस सेवन सेवन टी के साथ इस साल भी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है तो अगर आप वेट कर रहे थे दोस्तों वन प्लस एट प्रो का तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप वेट मत कीजिए इस साल कोई टी एट्टी प्रो नहीं आने वाला है आप चाहे तो एट प्रो बाय कर सकते हो लेकिन अगर आप वन प्लस एट का वेट कर रहे थे तो ज़रूर आप वेट कीजिए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू वन प्लस एट तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए सोचो लाइक ज़रूर करना अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए